देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर चरम पर है। पॉजिटिव लोगों को बचाने के लिए एक एक सांस का संघर्ष चल रहा है। एक तरफ सरकारें दवा और ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य होने का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इनके अभाव में लोग दम तोड़ते दिख रहे हैं। लखनऊ से मुंबई और राजस्थान से पंजाब तक हालात चिंताजनक हैं। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजन बाइक, साइकिल, रिक्शे, ऑटो और कार से खुद सिलेंडर ढो रहे हैं। ऑक्सीजन फैक्ट्रियों के बाहर लंबी कतारें हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो लखनऊ के पीजीआई में पहले 50 सिलेंडर लगते थे, अब यहां 500 की जरूरत पड़ रही है। मुंबई में पहले 200 मीट्रिक टन तक मेडिकल सप्लाई थी, अभी बढ़कर 650 से 750 मीट्रिक टन हो गई है। हालत ये हो गई है कि सांसों के संकट को अवसर मानकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन सिलेंडर 4200 रुपए में मिलता था, वो 15000 रुपए देने पर भी नहीं मिल रहा है। जयपुर बात की तो 25000 रुपए दाम बताया गया। अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो हालात बेकाबू हो जाएंगे।